आज दीपा श्रीवास्तव आप लोगों को तोरण बनाना सिखाने जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग एक ग्लिटर टाइप का पेपर लेंगे और इसको स्टिक कर देंगे। यहाँ से इस जगह से स्टिक कर लेंगे हम लोग। स्टेपलर भी कर सकते हैं आप लोग, स्टेपलर से जोड़ लिया, फेविकोल से, या जैसा आपको ठीक लगे। स्टेपलर से आपने यहाँ पे लगा दिया। स्कूल में जल्दी बनाना है तो चिपकने में टाइम लगता है, तो आप लोग स्टिकर इस तरह से ले लेंगे। और आपको 24 इंच जितना आपका डोर का साइज़ है वो आप साइज़ ले सकते हैं। स्कूल में जितना साइज़ बताएगा उतने साइज़ का आपको बनाना है, तो हमने ये ज़्यादा ले लिया है ताकि अलग एक्स्ट्रा कटिंग करना चाहे तो कटिंग कर लें। और अभी हमने क्या किया है, हार्ट शेप, लीफ की शेप बनाना है मुझे। और कुछ हमने ऐसी कटिंग कर ली पेपर की, ये देखिए हमने कटिंग कर ली है, कुछ हार्ट शेप कट कर लिया है और कुछ गणपति जी के फेस, ये गणपति के फेस कुछ कट कर लिए हमने, ये देखिए स्टेप से। ठीक है, तो ये सिल्वर पेपर पर ट्रेस करके हमने कट कर लिए। आप मटका, दिया, जो चाहेंगे वो आप कट कर सकते हैं इस पर। इसको इस पर ट्रेस कर लेना है आपको, एक हार्ट शेप पुट्ठे बना करके इसको आपको ऐसा ट्रेस कर लेना है, ट्रेस करके आपको कट कर लेना है। इक्वल साइड कट करने के लिए आपको दोनों को मोड़ना पड़ेगा। ये पेपर थोड़ा हार्ड है तो इसलिए मोड़ नहीं सकते इसको, तो सिंगल सिंगल हमको बनाना पड़ेगा इसको। अगर ये पतला पेपर होता तो हम एक साथ दोनों को कट कर लेते हैं। आप डबल टेप भी यूज़ कर सकते हैं, डबल टेप लेकर के इसको यूज़ करिए। अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे स्टिक कर लेंगे, सेलो टेप से भी स्टिक करेंगे या स्टेपलर कर देंगे या फिर फेविकोल लगा देंगे। उसके पहले हम पेपर क्या करेंगे, ये पेपर जो मेरा थ्रेड है वो थ्रेड हम इसके पीछे लगा देंगे, इस जगह पे हम थ्रेड को यहाँ पे हम स्टेपल कर दे रहे हैं इस जगह पे भी। बच्चों को स्कूल में स्टेपलर भी ले आने को बोलिए, और स्टेपलर प्लस फेविकोल से वो इसको लगा देंगे। बैक साइड में हमको सीधा ले करके स्टेपलर कर देना है। ये तोरण का पहले आगे का साइड हो रहा है मेरा। अब हम मिडल में क्या करेंगे, इस मिडल में फेविकोल लगा करके दूर दूर हम फेविकोल लगा देंगे, जितना आपको लेना है। और यहाँ पे हम गणपति लगा देंगे, ऊपर चाहे तो ऊपर शिफ्ट करिए, नीचे कर लीजिए स्टेप से। एक गणपति जी इधर लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे, या एक छोड़ के लगा देते हैं और एक हार्ट शेप लगा देते हैं। देखिए इस टाइप से हम ये ले लिए गणपति का फेस और ये ले लिए पास पास कर देते हैं। और इसके बाद इसमें हम लीफ लगा देंगे पास पास, स्टेपलर भी कर सकते हैं आप इस
ऐसे ऐसे लीफ लगाते जा रहे हैं कटिंग करके। सब चमकने वाले पेपर यूज़ कर रहे हैं हम। मार्केट में बहुत सारे कलर पेपर आते रहते हैं, इस टाइप से आप अलग अलग कलर के पेपर लेकर के पूरा इसको एक लेबल में लगाना है। और अगर स्टिक होने में टाइम लगे तो आप इसको उठा करके एक एक सर्टे भी कर सकते हैं, इस टाइप से स्टेपलर मार दीजिए, क्योंकि स्कूल में टाइम कम मिलता है। घर में तो आप सेल टेप लगा कर या फेविकोल लगा कर आप काफ़ी देर तक तो छोड़ सकते हैं। स्टेप से देखिए मैं लगा दिया, यहाँ पे हार्ट शेप कर रहे हैं। टाइप से हमने इसको लगा दिया। अभी इसके ऊपर हमने स्टोन्स ये सब लगा देंगे। आप सिक्स इंच ये हो गया आपका, 24 इंच ये हो गया आपका। अभी आप इसमें लीफ के बीच में लीफ को छोड़ देना है हमको। कुछ अलग हर तरह में कुछ अलग अलग करके स्टोन लगाने हैं आपको। हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो कई टाइप के स्टोन मार्केट में मिलते हैं, बड़े छोटे। स्टेप्स आप पूरा इसको लगाएंगे। यहाँ पे हम ट्रायंगल लगाते हैं। यहाँ पे आंखों को दिखाने के लिए ये वाइट रंग के स्टोन्स हम लगा देंगे। ये देखिए वाइट रंग का लग के आए हैं, मोती टाइप के स्टोन। आने बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप लोगों के लिए हम कम से कम स्टोन वाला यूज़ कर रहे हैं। जब समय स्कूल में मिलेगा तब आपको और करना है। इस टाइप से आप लोग ये पूरा मोती लगा लेंगे। ऐसे आप मोती पूरा लगाएंगे इसमें। ये देखिए छोटे स्टोन भी आते हैं मार्केट में, छोटे स्टोन भी आपको ले लेने हैं। इसको भी हम यहाँ पर लगाएंगे। स्टेप्स आप यहाँ पे छोटे छोटे स्टोन लगा सकते हैं। ये देखिए इसमें 2-3 दिए बना लेंगे।
और इसको इन इन जगह पर लगा देंगे, या फिर आप इस टाइप से कटिंग करके लगा सकते हैं। ये देखिए एकदम सिंपल सा आपको तुरंत बताया है हमने, ये देखिए एकदम सिंपल, काफ़ी सिंपल है। ये गणेश जी का फेस डाल करके इस टाइप से हार्ट शेप लगा दीजिए और ढेर सारे आप स्टोन और पेपर लगा दीजिए जिससे चमकता हुआ दिखे। जो आपका ब्लू वाला बैकग्राउंड है उसमें खूब सारे स्टोन लगाइए, मिरर्स। ये हमने बॉक्स भर का मिरर मेरे पास है, पूरा इसको भर देते हैं। ये देखिए इस टाइप से पूरा इसको डालते हैं। और भी आपको करना है तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। ये आपका जल्दी से बन जाएगा। एक सीधा पेपर कट करना है और 6 इंच लंबाई उसकी चौड़ाई आपको ज़्यादा लंबी अपने डोर के बराबर लेनी है, और हाइट आप और भी बढ़ा सकते हैं। हमने इसमें कम लिया है, आप और भी ले सकते हैं। पूरा इसको मिरर वर्क कर दीजिए इसमें। अब जब मुझे मिरर लेंगे तो दिए की रोशनी है कुछ भी इस पर रिफ्लेक्ट होगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये अभी जो गणेश जी का इस वाले में जो आईज है वो रेड लगा देंगे ताकि दिखे वो। आप चाहिए तो फ्लावर भी कट कर सकते हैं। दो एक साइड करने की कोशिश करते हैं हम। फ्लावर कट कर लेना है। अब दोनों साइड हमने फ्लावर से लगा दिया तो ये आपका सिंपल सा तोरण रेडी हो गया है। आप चाहेंगे तो रेड कलर को और भी कहीं कहीं जगह यूज़ कर सकते हैं। रेड रंग का जो पेज शीट है उसको कट करिए बीच में से, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इस जगह पर रेड करना है कुछ स्टेप्स आपको तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए आप। रेडीमेड फ्लावर भी आते हैं, रेडीमेड फ्लावर भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, और स्टोन नक्स ये सब यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टोन ये वाले भी आते हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आप आराम से इसको करिए। ग्लिटर चढ़ाना मना होता है क्योंकि ग्लिटर सूखता नहीं है, तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। आपके पास फेविक्रिल का कलर हो, फेविक्रिल हो इस टाइप से, ये देखिए फेविक्रिल का कलर रहेंगे तो उससे आप पेंट कर सकते हैं इसमें, या नेल पेंट आपके पास हो नेल पेंट अगर ले जा सकते हैं तो नेल पेंट से आप इसको नेल पेंट से आप इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो कलर नेल पेंट से आप इस पर डॉट डॉट लगा सकते हैं। इस टाइप से आप इसमें बर्ड या जो
मंडला पेंटिंग का जो टूल्स आता है उसको यूज़ कर सकते हैं। कलर करने कलरफुल बनाने के लिए सब आपको लगाना है। देखिए रंग बिरंगे होते जा रहे हैं, तो इसको आप ऐसा यूज़ कीजिए। देखिए काफ़ी सुंदर तोरण आपका रेडी हो जाएगा। या आप आँखों के पास जो आप आँखें दे ठीक है, तो इसको आप और भी सुंदर बना सकते हैं। हमने सिंपल एक तरीका आप लोगों को बता दिया है। ये देखिए आप यहाँ चाहिए बेल लगा दीजिए, यहाँ पे आप इस टाइप का स्टोन्स भी लगा सकते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा हम चीज़ नहीं बता रहे हैं क्योंकि किसी के पास कुछ है, किसी को कुछ है, तो जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो इस टाइप से इसको भी रख सकते हैं आप। चमकता हुआ ये बन जाएगा आपका। थैंक यू आज की वीडियो के लिए। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए आप इसको। स्टेप्स आपने इसको कर लिया। एक देखिए एक और तोरण का आइडिया हम रखे हैं, इस पे ही लगा दिया। ये देखिए इसके ऊपर ही हम लगा दिए और स्टोन। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे दिए लगा देंगे। इधर आपको कुछ लटकने वाला आइटम लगा देते हैं, जैसे कि आपने इसको लगा दिया इसके ऊपर। ये देखिए स्टेप्स इसको आपने कर दिया, स्टेप्स लगा दिया आपने। और इस पर कुछ आप इस पर वर्क कर सकते हैं। इस पर हम सिल्वर से कुछ बनाएंगे। इस वाले ड्राइंग के ऊपर सिल्वर से हम लोटस बना देंगे या कुछ। ये देखिए सिल्वर पेपर लेकर के आप इस टाइप कई सारे आप आइडिया लगा सकते हैं इसमें। ये देखिए इसमें हमने लोटस के फ्लावर की तरह कटिंग कर लेनी है। ये सीधा रखना आपको। ये भी दिखा देना आपको, पूरा नहीं बनाएंगे आप इसको सब ऐसा समझ लीजिएगा ठीक है। नीचे ग्रीन पत्तियाँ लगा देनी है और ऊपर लोटस की तरह कटिंग कर लेनी है इसकी। ढेर सारी कटिंग एक साथ करके रख लीजिए। इसको मेरे से बनाए घर पे आप करके तब सब काम शुरू कीजिए। बहुत सारे कमल के फूल बना लीजिए, जो भी स्वास्तिक बना लीजिए, स्वास्तिक के निशान हैं आपके पास। हिबिस्कस फ्लावर है, मटके से हमने जो आपको ड्राइंग बनाई तोरण की, ये देखिए इस टाइप से आपको कमल का फूल मिल गया। आपने यहाँ पे इसको लगा दिया। ऐसे कई सारे कमल के फूल आप यहाँ सब स्टिक कर सकते हैं ठीक है। इससे भी आपको काफ़ी अच्छा ये लगेगा। और एक दो हमने ड्राइंग जो आपको बताई थी इस टाइप से आप ये भी इसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हम कमल का फूल लगा दिए, इधर दोनों तरफ आप ऐसे पत्तियाँ लगा सकते हैं इसकी। लोटस की ऐसी पत्तियों को डिस्प्ले कर सकते हैं इस टाइप से। तो आपके दोनों इस टाइप का भी आप तोरण बना सकते हैं। तो दो टाइप का हम तोरण का बता दे रहे हैं आपको आइडिया। पैटर्न सभी इसी टाइप से रहेंगे, नीचे लटकने वाला आप क्योंकि बच्चे सुई धागा नहीं यूज़ कर सकते हैं उनको मुश्किल होगी, तो इसलिए आपको इस टाइप का इजी एकदम तोरण सिखा दीजिए। थैंक यू आज की वीडियो के लिए। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।